हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। आई होप यू विल फाइंड देयर एट योर होम। नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8। द नेम ऑफ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट, 2 वीडियोज हमने आपको इसमें अपलोड किए थे, आज हम आपको थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 एंड पार्ट 3, कल्टीवेट। अब कल्टीवेटर क्या है, इसमें हमें पढ़ेंगे कि नाउ डेज प्लॉन्ग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज का जो टाइमिंग है वो जो खेतों की जुताई है वो ट्रैक्टर और ड्राइवर से की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और ये जो यूज ऑफ द कल्टीवेटर्स है, जो कल्टीवेटर वो क्या करता है, वो लेबर और समय को बचाता है। आप जैसे पिक्चर 1.1C में देख रहे होंगे, एक ड्राइवर जुताई कर रहा है बाई ट्रैक्टर के द्वारा। इससे पहले क्या होता था कि एक बैलों के द्वारा, ऑक्सीन के द्वारा इसमें बुवाई हो जो जुताई होती थी। बट इट इज़ ए टाइम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न टाइम का योग है, और बिलोंग इज ए डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 1.4 में सोइंग। अब देखो, बोना किस तरीका से, खेतों की जुताई के बाद बुवाई कैसे होती है। सोइंग इज द मोस्ट पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब खेत की जो बुवाई की जाती है, अर्थात जो सीड्स उसमें ड्रॉप किया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन का जो भाग है। क्योंकि जब उसमें बुवाई होगी तो उसको किस तरीका से क्या किया जाता है उसे समझना है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बुवाई से पहले हम एक बीज को, बहुत ही अच्छे अच्छे बीज को हम सेलेक्ट करते हैं। एंड गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी। और जो अच्छा बीज होता है उस वो कैसा होता है, वो स्वच्छ माने साफ और स्वस्थ होता है, अर्थात अच्छा होता है। सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी, यानी अच्छे वैरायटी की पहचान है। फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्डिंग। और किसान हैं जो इसका हम यूज करते हैं, किसान अच्छे बीजों का सेलेक्ट करते हैं ताकि उनकी खेती अच्छी खासी हो, अर्थात खेत में अच्छी ज़्यादा प्रोडक्शन हो। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन द वाटर। के आप जानते हैं कि जो बीज होते हैं वो पानी पे कुछ तैरते रहते हैं। वो दो बी लाइटर, या तो वो बहुत भारी होंगे या फिर हैवियर होंगे देन दो विद विच सिंक सिंक में विद वुड वाय वुड दे बी लाइटर। ऐसा वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कोई सिंक पे वाटर में फ्लोटिंग कर रहे हैं, कुछ सीड्स होते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दैट इज ए डैमेज सीड। वो कैसे होते हैं कि बेकार वाले बीज होते हैं, बीकम्स हालो अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, अर्थात हल्के होते हैं। और कैसे होते हैं, अंदर से खाली होंगे और हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, इसलिए पानी पर क्या होता है, वो तैरते रहते हैं। समझ में आ गई बात। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड। इस तरीका से गुड एक सबसे अच्छी अलग करने की बहुत ही अच्छी विधि है। हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स को एक अलग करने का बहुत ही गुड मेथड है, अर्थात जो ऊपर जो बीज है वो कैसे होते हैं, वो डैमेज होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं, हालो होते हैं। बट जो गुड बीज होते हैं वो उसी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, यानी बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। चलो, इस बुवाई से पहले कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करते हैं, और समझना और जानना भी चाहिए अबाउट द टूल्स के बारे में, यानी फार्मिंग जो बुवाई वगैरह होती है उनमें क्या क्या चीज़ यूज की जाती है, तो वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, यानी फार्मिंग में जो यूज होते हैं,
नंबर एक है ट्रेडिशनल टूल्स। अब देखो ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल का मतलब रीत पुरानी रीति रिवाज है, हल वगैरह किसान हल से जुताई करता था और उसमें बीज वीज डालता था हल के द्वारा, तो वो ट्रेडिशनल टूल्स कहलाते हैं। द टूल्स यू ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज ए सेप्ड लाइक ए फनल। अब एक क्या होता था, पहले किसान पाइप के द्वारा ये ऊपर से फनल बना लेता था, उसमें सीड्स को डालता था, बुवाई करता था। बट इन मॉडर्न एज इट इज़ ए टोटली डिपेंड ऑन द कल्टीवेटर, फार्मिंग, ट्रैक्टर, इन पे सभी पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो द सीड्स आर द फिल्ड इन टू द फनल। तो फनल में क्या ये कीप नुमा होता है, उसमें ये बीजों को भर देते हैं। एंड पास डाउन थ्रू टू आर थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड, या दो या तीन पाइप उसमें लगे हुए थे, क्योंकि एक में गेहूँ जाता है और एक में खाद जाता है। दीज एंड्स यानी पियर्स इन टू द सॉयल एंड पीसेस सीड्स देयर। इस तरीका से वहाँ पे बुवाई की जाती है, मिट्टी के अंदर ये गेहूँ और खाद पड़ता रहता है। और ये 1.2 ए में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, ये दे रखा है कि दो बैल दिखाई दे रहे हैं, ये दो फार्मर दिखाई दे रहे हैं। और ओल्ड मेथड इज ए नोन एज ट्रेडिशनल टूल्स मेथड कहलाता है। ठीक है, तो पुराना मेथड तो पुराना ही होता है स्टूडेंट। तो आपको इसमें इस चैप्टर में ये समझना है कि पहले और आज में डिफरेंस क्या है। हम पहले भी फार्मिंग करते थे और आज फार्मिंग करते हैं। आप देखते हो आज एक ही दिन में क्या क्या हम कर लेते हैं, कितने एकड़ की बुवाई कर देते हैं, और उसमें जो है उसका बचाव भी कर लेते हैं, टाइमिंग का भी हम बचा लेते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी से हम खेती बाड़ी करते हैं, जो बहुत अच्छे से क्या होता है उसका उपज होता है। ठीक, तो ये बात भी आप समझ रहे होंगे। अब देखो सीड ड्रिल क्या, अब उसके नेक्स्ट उसमें टॉपिक देखा है सीड ड्रिल। अब देखो सीड ड्रिल का मतलब जो है, जो बुवाई होती है उसमें कौन कौन से ड्रिल यूज होती है, जैसे कल्टीवेटर यहाँ पर दे रखा होगा, कल्टीवेटर यानी सीड ड्रिल नीचे दे रखा होगा। बुवाई जो की जाती है ट्रैक्टर से, जो बुवाई की जाती है वो कौन कौन सी मशीनी कौन का यूज होता है, वो सीड ड्रिल कहलाती है। ठीक है, जैसे पेज नंबर इसमें दे रखा है राइट हैंड में। तो बच्चों आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें ये लगा कि ये जो हम आपको रीडिंग करा रहे हैं या समझा रहे हैं, या जो इसके बारे में बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी और इसको इनकी समझ में आई। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करो, ताकि हमें भी ये लगता है कि हाँ हम जो आपको कुछ समझा रहे हैं वो अच्छे से समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल ये 1.2 वी में गिवेन है स्टूडेंट, कि सीड ड्रिल क्या होता है और इसके बारे में क्या है। यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स, ये ट्रैक्टर की सहायता से सीड ड्रिल चलाई जाती है और खेत में बुवाई होती है, ये बात यहाँ पर गिवेन है। ठीक है, दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपरली डिस्टेंस एंड द डेप्थ। इससे एक ये मेथड इससे लाभ होता है कि इस टूल से कि एक निश्चित गहराई पर सीड्स चला जाता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस से एक जो बुवाई हो जाती है। दिस टूल सो द सीड्स ऑफ द यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस से द डेप्थ, गहराई में एक अच्छी जितनी गहराई चाहो उतनी गहराई में ये बुवाई हो जाती है। इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट द कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द सोइंग, और हमें ये बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि किस गहराई पे कितना बीज हमें डालना है, और मिट्टी से ये कवर्ड कर हो जाता है। दिस प्रिवेंट डैमेज काज द वर्ड्स, और इस प्रकार से ये जो हमारे खेतों में जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, वर्ड्स होती हैं, वो डैमेज होने से बच जाता है, क्योंकि वो सब उसको खा लेंगे। यानी शोइंग बाई द यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इस प्रकार वी कैन से कि शोइंग मशीन इज सेव्ड शेव्ड
टाइम्स एंड लेबर दोनों को बचा लेता है, यानी इससे समय की बचत भी होती है और टाइम की बचत भी होती है। एन एप्रोप्राइट डिस्टेंस बिटवीन द सीट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब आपको जो डिस्टेंस जो बीज बुआई होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट जो होते हैं, एक निश्चित दूरी पर जब पौधे जब इनको प्लांटेड किए जाते हैं उगते हैं तो एक अच्छी दूरी पर ये एक फिक्स डिस्टेंस पर ये उगते हैं अर्थात ग्रो होते हैं। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट द वाटर एंड फ्रॉम द सॉइल। इस प्रकार से क्या होता है कि इनको बीच में एक सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट और न्यूट्रिएंट पोषण और पानी अच्छा खासा इनको मिलता रहता है, क्योंकि डेफिनेट डिस्टेंस पे होंगे तो इनको सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड द प्रिवेंट यानी ओवर क्राउडलिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हैव टू रिमूव जिनको अलग किया जाता है और प्रिवेंट मैंने रोका जाता है ओवर क्राउडिंग से। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में हो गई कि ये जो सीड ड्रिल है वो क्यों इनको यूज किया जाता है। एक तो क्या इससे लाभ मिलता है कि पौधों की डिस्टेंस इक्वल होती है, दूसरी पौधों को क्या मिल जाता है यानी प्लांट को क्या मिल जाता है, उस सनलाइट अच्छे से मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलता है, और जब वाटर वाटर का यूज करते हैं वो भी हमें सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ऐसा नहीं हो पाता है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। एडिंग मैन्यूअर एड फर्टिलाइजर्स, अब उसमें उसके बाद क्या होता है, आपने बुवाई कर ली और बुवाई के बाद क्या किया जाता है, मैन्यूअर माने खाद वगैरह और फर्टिलाइजर्स जो डाला जाता है, जैविक खाद और खेतों में फर्टिलाइजर्स डाला जाता है, तो उसके बारे में भी आपको समझना है कि भाई बुवाई होने के बाद फिर उनके लिए क्या चाहिए, खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ताकि उनकी क्या प्रोडक्शन अच्छी हो। ठीक है, जब अच्छी तभी होगी जब उनमें प्रॉपर उनका न्यूट्रिएंट्स और पालन पोषण होगा। तो एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर द सब्सटेंसेज विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। पौधों को स्वस्थ हो और अच्छे हो एंड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन टू मोर अच्छे से इनकी उपज हो, इसलिए हमारे जो पौधे कैसा होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और इसी हम क्या बोलते हैं मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, हम उसमें खाद नहीं लगाएंगे, पानी नहीं लगाएंगे, फर्टिलाइजर्स नहीं लगा डालेंगे और उसमें मैन्यूअर नहीं डालेंगे, तो जो सीड प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, और जब ग्रोथ नहीं करेंगे तो उसमें गुड प्रोडक्शन नहीं हो सकता, अच्छा उपज नहीं ले सकते। ठीक है, ये बात यहाँ पर इन्होंने समझाई है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं आई सा द हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन ए फॉर्म मैन आई सा ए हेल्दी क्रॉप, मैंने एक हेल्दी फसल देखी है ग्रोइंग माने उगती हुई इन ए फॉर्म यानी खेतों में, इन नेबरिंग फार्म और जो पड़ोस में एक फार्म है, द प्लांट वर वीक और पौधे कैसे हो थे, कमज़ोर भी थे, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। तो ऐसा कुछ पौधों में इन दोनों में क्या अंतर है कि एक अच्छा है तो एक कमज़ोर है, ऐसा क्यों होता है, वही बात यहाँ पर इन्होंने समझाई समझाने का एफर्ट किया है। ठीक है, सम सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रेंट टू द क्रॉप्स यानी सॉयल सॉरी सॉयल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रेंट टू द क्रॉप्स। सॉयल सप्लाईज का मतलब जो मिट्टी में जो सप्लाई की जाती है वो क्या की जाती है, मिनरल्स न्यूट्रेंट्स की जाती है टू द क्रॉप यानी फसलों के लिए। फसलों में क्या क्या डाला जाता है, मिट्टी में क्या क्या डाला जाता है, मिनरल्स मटेरियल्स डाला जाता है ताकि उसको प्लांट्स में इसका यूज हो और ये ग्रोथ करें। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इस प्रकार से जो पोषण होता है, दीज न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो पोषण है आर इसेंशियल माने आवश्यक होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पौधे
पौधों की उन्नति के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो द क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। और जो सर्टेन एरियाज का मतलब एक जो डेफिनेट एरियाज है अर्थात निश्चित जो फील्ड है किसानों का, ग्रो ग्रो माने उगाते हैं, क्रॉप माने फसलों को, आफ्टर आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड यानी एक के बाद एक उसी में फसल को उगाते हैं। ये उन्होंने कहा कि मान लीजिए इस समय अभी हमने क्या काय की कटिंग की है, वीट की, अब इसके बाद हम क्या करेंगे यानी कुछ राइस लगाएंगे या अदर अदर कोई भी क्रॉप्स उसमें सोइंग कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको अच्छे से फॉलो किया होगा आपने, ठीक है। कह रहे हैं सेम टाइम द फील्ड इज ए नेवर लेफ्ट कल्टीवेट आर फॉलो द फील्ड, जो खेत खेत इज नेवर कभी नहीं छोड़े जाते अनकल्टीवेटेड यानी ऐसे खाली नहीं छोड़े जाते हैं, आर ए फॉलो। इमेजिन कल्पना करना है कि व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, कल्पना कीजिए कि व्हाट हैपेंस क्या होता है टू न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण क्या होता है, इसके बारे में आपको अंडरस्टूड करना है। कंटिन्यूसली ग्रोइंग आवर क्रॉप्स, अगर लगातार हम फसल को उगाते रहेंगे, मेक्स टू द सॉयल मिट्टी में यानी पुअर माने मिट्टी बेकार होगी, पुअर सॉयल पुअर का मतलब यानी बेकार, लगातार हम किसी चीज़ में उगाते रहेंगे मिट्टी में तो मिट्टी कैसी हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, बेकार यानी अनफर्टाइल हो जाती है। सॉयल पुअर का मतलब होता है यहाँ पर अनफर्टाइल से मतलब है, ठीक है। इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स यानी कुछ पोषण के लिए, देयर फोर द फार्मर्स हैव टू ऐड द मैन्योर टू द फील्ड एंड रेप्लेनिशेस द सॉयल विद द न्यूट्रिएंट। इस प्रकार से जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, इसमें जैविक खाद डालते रहते हैं अपने खेतों में टू रेप्लेनिशेस द सॉयल, ताकि मिट्टी हर कैसी बनी रहे, फर्टाइल बनी रहे एंड न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण युक्त तो बनी रहे। मैन्यूअर का यूज इसलिए किया जाता है स्टूडेंट, लगातार रेगुलर अगर हम उसमें कोई भी फसल को बुवाई करते रहते हैं तो मिट्टी कैसी हो जाती है वो आप जानते हैं, अनफर्टाइल हो जाती है, और मैन्यूअर खाद डालने से, जैविक खाद डालने से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं होता है और बढ़ता रहता है, इसलिए हम उसमें मैन्यूअर का यूज़ करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, और ये जो मेथड कहलाता है मैन्यूरिंग कहलाता है, इम्प्रॉपर ऑफ द इन्फ्लुएंशिएंट इनसफिशेंट यानी मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। और इस प्रकार से अगर हम इम्प्रॉपर अगर अनुचित या इनसफिशियंट अपर्याप्त